दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेमेटेनिस के बारे में, जो कि हमारा फार्माकोकोलॉजी सेकेंड यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है, आयरन का मेटाबॉलिज्म, मतलब जो इसकी पूरी फार्माकोकाइनेटिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आयरन को इनटेक करते हैं, फिर कैसे हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ETC के माध्यम से भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू, आज हमारी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हमारे चैनल पर, इसका मतलब आज हम 1K फैमिली कंप्लीट कर ली है। तो आइए हम अपने सबसे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, हेमेटेनिस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हेमेटेनिस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द RBC, मतलब जो हेमेटेनिक्स होते हैं वो एक प्रकार के ऐसे एजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। और ब्लड में हमारा क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन का समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और हेमेटेनिस के बारे में समझते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन लिखा, ठीक है, ये मान लीजिए आपने लिखा हीमोग्लोबिन, तो अब इसको आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए, एक आपका क्या टूट, एक इसमें टूट जाएगा। तो हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन आपका होता है प्रोटीन। तो ये हीम जो होता है, इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है कि ये इसमें हमारे डिफरेंट टाइप, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, उसके बाद फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, ठीक है, इसी के माध्यम से हमारा पाए जाते हैं। तो जो हमारा हेमेटेनिक्स होता है, इसी को मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसके फॉर्मेशन को आपके बॉडी के अंदर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होने लगता है और आपका ब्लड जो उसमें आपका ब्लड जो आपके बॉडी में डिफिशियंट हो गए, मतलब सफिशियंट अमाउंट में नहीं है, वो सफिशियंट अमाउंट में हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात आई कि जो हेमेटेनिक्स होता है उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो आपको जैसे कि पता चल गया कि हेमेटेनिस का मतलब क्या होता है, कि हमारे ब्लड के फॉर्मुलेशन को इंड्यूज करता है, मतलब बढ़ाता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल कम होगा या ब्लड एक्सपेंडर कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमको क्या जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम हेमेटेनिस नाम की एक ड्रग लेते हैं, ये हमारी एक कैटेगरी होती है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन इंक्लूड होता है किसमें, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, अभी इन्हीं तीनों का हम फार्माकोकाइनेटिक पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस में जैसे CO2 मतलब CO हो गया, जिसमें आप कोबाल्ट, जिंक एंड इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, एरिथ्रोइटिन, ठीक है। ये इरिथ्रोपोइटिन क्या होते हैं, ये एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो कि मेनली जो सीक्रेट होते हैं किडनी से और स्मॉल अमाउंट में लीवर से सीक्रेट होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, RBC के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई हेमेटेनिस का जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात आते हैं कि जो हेमेटेनिक्स होती है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो सब बेसिकली जो इसका यूज किया जाता है वो एनीमिया में ट्रीट किया, मतलब जो एनीमिया आपको जाता है, एनीमिया का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर लो लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एनीमिया, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनीमिया, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एनीमिया होता क्या है। तो एनीमिया का मतलब होता है कि आपके जो ब्लड के अंदर क्या RBC पाई जाती है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसका जो लेवल होता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपके बॉडी में ब्लड का लेवल कम हो तो सीधी सीधी बात है कि वो ऑक्सीजन को कैरी आउट नहीं कर पाएगा, और जब ऑक्सीजन को कैरी आउट नहीं कर पाएगा तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक नहीं पहुँचा पाएगा। जब डिफरेंट ऑर्गन्स तक नहीं पहुँचा पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपको वीकनेस हो जाएगी, वहाँ पर सेल डैमेजिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो एनीमिया इसलिए भी खतरनाक होता है। तो आपको ये पता चल गया कि एनीमिया के ट्रीटमेंट में हेमेटेनिस का यूज किया जाता है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लो एनर्जी लेवल होता है, वीकनेस, पैरालिसिस, ETC, ये हमारे क्या है, एनीमिया के हमारे कुछ सिम्टम्स है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ द एनीमिया। अगर ये चीज़ हम समझ लेंगे तो जब भी हम फोलिक एसिड, आयरन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे तो हमको बहुत ही आसानी हो जाएगी इसको समझने के लिए। तो हमारा जो पहला टाइप होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो जैसा कि नाम से कन्फर्म हो रहा है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को हम बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। उसके बाद आते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम आयरन का इंटेक करते हैं। उसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो ये क्या होता है कि जब हम अपने बॉडी के अंदर या किसी अपने डाइट के अंदर विटामिन B12, ठीक है, जो कि हमारा सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, उसको इंटेक करना बहुत ही कम कर देते हैं, हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, या हम फास्ट चीज़, मतलब जो आपके होटल के चीज़ उससे उसको खाना खा कर फैटी चीज़ खाते हैं, उससे उसको खाकर अपना पेट भर लेते हैं, तो हमारे बॉडी में विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, ठीक है। अब जब इसकी कमी हो जाती है तो ये भी एक प्रकार का एनीमिया होता है, और ये प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल RBC ये क्या कर देगा, जो RBC का प्रोडक्शन होता है उसको एबनॉर्मल कर देगा। मतलब कहने का क्या है कि या तो बहुत ही हाई लेवल पर बढ़ा देगा, या तो बहुत ही लो लेवल पर कर देगा, या तो RBC का साइज से भी बदल देगा, या तो ICB को बहुत ही स्वेल्ड कर देगा, ठीक है। और इसमें जो ड्रग यूज होती है उसको बोलते हैं विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। इसका फार्माकोकाइनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शुरुआत से आपको बताते आ रहा हूं। उसके बाद आता है हमारा क्या, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो लो या लोअर सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड थैलेसीमिया। एंड फोर्थ टाइप का हमारा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि आपका जो RBC हो जाता है उसका जो साइज होता है या शेप होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अगर आपको जनरल टाइप की बात करें तो ये इस टाइप का होता है, लेकिन जब आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो ये कुछ हमारे चांद टाइप का ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद आता है एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि आपके बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन हो जाता है।
होता है। जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरे में होता है, और जो इसका हमारा एलिमिनेशन मतलब कहने का क्या है, वो जहाँ पे खत्म जैसे उत्पन्न होता है बोन मेरे से और खत्म होता है वहाँ पर हमारे पर स्प्लेन में खत्म होता है। अब देखिए ये सारी जितने भी टाइप के एनीमिया है, यहाँ पर बहुत सारी टाइप की एनीमिया आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली एनीमिया के बारे में बताया। अब उसके बाद आता है कि ये जो एनीमिया होते हैं इसके ट्रीटमेंट यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हिमेटेनिक्स। और हिमेटेनिक्स में हमारे तीन ड्रग्स आते हैं, एक आयरन आती है, एक फोलिक एसिड आती है, एक हमारी कौन सा आते हैं विटामिन B12। इसी के माध्यम से इसी नाम के ड्रग आते हैं आपके मार्केट में, इसी के माध्यम से हम एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता हमारा क्या है, आयरन। तो आयरन क्या है, आपका एक एसेंशियल एलिमेंट है। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, आपने ये सुना होगा कि आयरन जो होता है हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी कॉज करता है, तो कैसे आयरन हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल एलिमेंट माना जा सकता है ब्लड के प्रोडक्शन के लिए। तो इसको जब अभी आप फार्माकोकाइनेटिक इसकी समझेंगे तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। अगर यही आयरन आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो इसको हीमोग्लोबिन बोलेंगे, जो कि आपके बॉडी के ब्लड लेवल में 70% पाए जाते हैं। अगर यही आयरन आपके मसल्स में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपसे जीपेड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द आयरन प्रेजेंट इन द मसल्स कॉल्ड, तो अगर आपको आयरन मिल गया तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि हीमोग्लोबिन सही है, लेकिन वहां पर हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं सही होगा, वहां पर आपको मायोग्लोबिन ऑप्शन देखना ही देखना है, ठीक है। तो यह बात हो गई कि आयरन अगर हमारे डिफरेंट ऑर्गन में कंटेन किए हुए तो उसका क्या आप बोल सकते हैं। उसके बाद कहते हैं एसेंशियल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन इन द योर बॉडी फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। और यही जो हमारे आयरन होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये ऑक्सीजन को कैरी आउट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे लंग से टिश्यू तक मतलब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन कैरी आउट होता है, जो क्या करता है आपके डिफरेंट टिश्यू को ये पहुंचाता है। तो ये हो गए कुछ टाइप्स ऑफ द एनीमिया एंड आयरन के बारे में बातें। अब आते हैं कि हम ये डाइट जो होती है ये मतलब इसको कितने अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो एवरेज डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप एडल्ट हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आपको डेली 5 mg मतलब आयरन की रिक्वायरमेंट होगी, और फीमेल्स के अंदर 15 mg, क्योंकि उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल ETC वगैरह आती है, इसकी वजह से इनको इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए क्योंकि इनमें ब्लड लॉस भी होता है। उसके बाद चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन को ग्रोथ करनी होती है, इनको ग्रोथ फैक्टर होता है, इसलिए उसको 30 mg चाहिए होती है। और वहीं अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो वहाँ पर दो लोगों की जरूरत होती है, एक उस फीमेल की एक उसके फेटस की। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में उसको क्या चाहिए होगा, आयरन चाहिए होगा। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट इन्हीं को चाहिए होता है प्रेग्नेंट वुमेन को, जिसमें होता है 150 mg। तो अगर आपसे इसका सोर्स भी पूछा जा सकता है तो सोर्स में आपका जो आयरन होता है प्रेजेंट कहाँ पे है, तो एनिमल में भी होता है, आपके प्लांट फूड में भी होता है। जैसे आप कहते नहीं कि आप हरी सब्जी खाइए तो आपको वीकनेस कम हो जाएगी, आप फिश लीवर ऑयल ठीक है ETC योग मतलब अंडे में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, जो उसके पीला जर्दी होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे सोर्स। तो जैसा कि हीम जो होता है वो हमारे चिकन में प्रेजेंट होता है, एग व्हेल का मतलब जो अंडे के पीले कलर की जर्दी होती है लीवर में प्रेजेंट होता है, फिश में मीट ETC में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ किसमें Fe++। अभी हम Fe++ से Fe3+ कैसे बदलता है इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है नॉन हीम आयरन प्रेजेंट इन द प्लांट। अब ठीक है, मतलब कहने का कि हीम आयरन जो होते हैं हमारे किसमें, हमारे एनिमल में मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और वही जो नॉन हीम आयरन होते हैं हमारे कहां पे प्लांट्स में, जैसे पल्सेस हो गया, स्पाइनस हो गया, व्हीट ग्रेन्स हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, बनाना हो गया, हो गया, ETC हो गया। तो इन सब के अंदर जो आयरन पाया जाता है उसको बोलते हैं हम नॉन हीम आयरन। अब जो हमारा मेन चीज आता है कि इस चैप्टर की जान मतलब हीमेटेनिक्स हम पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया है, अब यहां पर आपको समझ में आएगा। तो इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर यह है हमारी फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द आयरन। तो अगर आपने आयरन इनटेक किया ठीक है, तो वहाँ पर आपके माउथ से होते हुए सबसे पहले कहाँ पर आया, ये आपके मतलब स्टोमच में आया ठीक है। अब ये सब अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और ये उठता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो इसको आप जान लें कि ड्यूडेनम में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये आयरन आपका निकला ठीक है, यहाँ से आपने डाइट के माध्यम से लिया, चाहे एनिमल के माध्यम से लिया, चाहे प्लांट के माध्यम से लिया, वो आपका स्टोमच में आया। स्टोमच में इसका क्या हुआ, pH मेंटेन हुआ ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर हमारी कोई चीज़ इंटेस्टाइन में आती है तो उसका जो pH होता है वो अल्कलाई हो जाता है, तो यहाँ पर स्टोमच को किस क्या जरूरत है कि इसकी एसिडिटी को यह बनाए रखे, नहीं तो अगर यहाँ पर जाकर ज़्यादा अल्कलाई हो जाएगा तो यहाँ पर इसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आयरन होता है एक अल्कलाइन मेटल होता है ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका स्टोमच में आया, स्टोमच में आने के बाद ये सीधा हमारे इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसका नाम क्या है ड्यूडेनम। अब इस ड्यूडेनम में आने के बाद यहीं पर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है आयरन का, तो जो ड्यूडेनम होता है वहां पर आयरन का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। अब आगे समझिए कि जो Fe2+ आयन है ठीक है, ये क्या होते हैं कि आपके ड्यूडेनम से तो एब्जॉर्ब हो गए। अब ये समझिए कि ये कैसे आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं, मतलब
जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका Fe2+ आयन होता है वो आपका थोड़ा टॉक्सिक इन नेचर होता है। अगर ये आपके सेल के अंदर गया तो ये सेल को डैमेज कर सकता है। उसके बाद ये क्या होता है कि जो ये Fe2+ आयन से ये धीरे धीरे कैरी आउट होकर DCYT एक रिसेप्टर होता है जो कि आपके वहाँ पर लगा होता है। कहाँ पर लगा होता है? आपके जहाँ पे ड्यूडेनम होते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये जो पार्ट आपको देखने को मिला है ड्यूडेनम का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो कि जो Fe3+ है मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका Fe++ में, और जो आपका प्रोटान ये आपका जो H+ है ये प्रोटान कहाँ से आया क्या जो आपके स्टोमच में HCl प्रेजेंट था वहाँ से आया ये H। तो अब ये क्या होगा कि ये जो आपका Fe++ है ये क्या करेगा DMT1 रिसेप्टर से होकर के ये आपके इनसाइड द सेल प्रेजेंट मतलब इंट्रोसाइट्स में ये आ जाएगा। इंट्रोसाइट का मतलब क्या है? इनसाइड द सेल। अब जब ये Fe2+ हमारे इस सेल के अंदर आ गया तो ये टॉक्सिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप फर्दर समझिए कि ये कैसे आपका चेंज होता है एपोप्रोटीन फेरेंटिन और कैसे ब्लड वेसल्स में जाता है। अब जब आपका Fe2+ सेल के अंदर आ गया तो अब ये क्या करेगा कि आपके उसके अंदर मतलब ड्यूडेनम के अंदर एपोफेरेंटिन नाम का एक हमारा एंजाइम पाया जाता है जिससे ये Fe2+ जाकर आपस में रिएक्शन करता है और ये क्या फॉर्म कर देता है फेरस एपोपेरिएटिन, ठीक है, एपोफेरेटिन जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं फेरिटीन। अब यही फेरिटीन जो होते हैं आपके ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब ये समझिए कि Fe2+ का एक्सपोर्ट कैसे होता है। अब यहाँ पर आपके Fe2+ आ गया, इसका एक्सपोर्ट कैसे होगा कि ये आपके सीधा फेरोपोल्टी नाम का एक रिसेप्टार पाया जाएगा जो कि क्या होगा आपके ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट ज्वाइंट होगा। मतलब यहाँ से आपके जो जेजुनम मतलब ड्यूडेनम है यहाँ से आपके इस ब्लड स्ट्रीम से यह ज्वाइन होगा। अब यहाँ से फेरोपोल्टीन नाम के एक माध्यम से या एक चैनल से होकर के आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। अब जब आपका ब्लड सर्कुलेशन में Fe++ आया तो इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा ही टॉक्सिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब टॉक्सिक इन नेचर हो गया अब इसको क्या करना है कि आपको Fe3+ में चेंज करना है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर हमारे एक और रिसेप्टर मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में जोड़ के आप रखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए केवल बताया हुआ है। तो यहाँ पर जब Fe++ है ये हमारा क्या होता है एक होता है हेपेस्टीन, ये हेपेस्टीन से जाकर के बाइंड करता है आपको Fe3+ में ये चेंज हो जाता है। और चूंकि आपको Fe3+ ही चाहिए आपके ब्लड वेजल्स के अंदर में, तो जब आपका Fe++ Fe3+ में चेंज हो गया तो इसी को बोलते हैं एपो ट्रांसफेरिन, ठीक है। यही फॉर्म क्या कहते हैं एपो ट्रांसफेरिन। तो यही आपके ब्लड के अंदर फॉर्म होता है। अब फर्दर क्या होता है कि जो यही एपो ट्रांसफेरिन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है फेरस ट्रांसफेरिन में, और जो ये फेरस ट्रांसफेरिन है मतलब कहने का क्या है कि ये एंजाइम और जब फेरस आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब दोनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं तो फेरस ट्रांसफेरिन बनाते हैं, और यही जो ट्रांसफेरिन है फेरस ट्रांसफेरिन है कुछ मात्रा में जाके आपके लीवर में स्टोर हो जाते हैं और कुछ आपके फर्दर RBC के फॉर्मेशन के लिए आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि कैसे RBC का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये जो फेरस ट्रांसफेरिन है ये आया, इसने क्या किया एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को स्टार्ट किया। एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस का क्या मतलब होता है RBC के फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया। अब ये जो ट्रांसफेरिन है ट्रांसफेरिन आया सबसे पहले कहाँ गया ये बोन मैरो में गया। अब जब बोन मैरो में ट्रांसफेरिन गया तो इसमें किसमें टूट गया ये अपने आयरन फॉर्म में टूट गया मतलब Fe फॉर्म में ये टूट गया। अब वहाँ पर क्या हुआ आपके एरिथ्रोब्लास्ट हुआ, ठीक है, पार्शियली एरिथ्रोब्लास्ट हुआ जो कि हम जानते हैं कि एरिथ्रोब्लास्ट जब किसी भी चीज़ का होता है फेरस का तो वहाँ पर हमारा RBC का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप समझिए बोन मेरो में कैसे RBC का निर्माण हुआ, ये ट्रांसफेरिन किस में गया आपके बोन मेरो में गया, बोन मेरो में क्या हुआ कि Fe का आपका क्या एरिथ्रोब्लास्ट हुआ पार्शियल एरिथ्रोब्लास्ट हुआ जिससे क्या RBC का फॉर्मेशन हुआ। अब यहीं से ये जो ट्रांसफेरिन है कुछ मात्रा में आपके कहां पे चले गए आपके लीवर में चले गए जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस दिखा रहे हैं। यहां पर ट्रांसफेरिन किस में कन्वर्ट हुआ आपके फेरिन में मतलब केवल फेरस आयन नहीं रह गया, और ये जो फेरस आयन है किस में कन्वर्ट हो गया आपका हीमोसेरिडिन में, और ये हीमोसेरिडिन आपका किस में कन्वर्ट हो गया Fe+ स्कोरसिस ने कर दिया, ठीक है। ये आपका किस में फॉर्म हो गया तो लीवर के अंदर ये हो जाएगा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जब जरूरत पड़ेगी बॉडी को कि यहाँ पे डिफिशियंसी कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा कि यहाँ से रिवर्सिबल प्रोसेस के माध्यम से फिर से ट्रांसफेरिन बना देगा, और यही ट्रांसफेरिन फिर से बोन मैरो में जाकर रेथ्रोब्लास्ट करा कर आपका RBC का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप समझ लिए कि लीवर में ये ट्रांसफेरिन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीमोसेरिडिन एंड Fe++। अगर हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ये फिर से क्या कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब उल्टा जाएगा, और ये फिर आपके ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आपके बोन मैरो में जाएगा जहाँ पर एरिथ्रोब्लास्ट होगा, और एरिथ्रोब्लास्ट होने के बाद ये RBC का निर्माण कर देगा। अब आइए आगे हम देखें तो ये जो ट्रांसफेरिन है ये आपके माइक्रोफेजेस का मतलब क्या स्प्लीन में कैसे जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका एरिथ्रोब्लास्ट होकर आरबीसी बना, अब ये फर्दर कहाँ पर जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा जहाँ पर हीमोग्लोबिन, एंड आपके हीमोग्लोबिन से फर्दर ये आपका कैरी आउट होता चलेगा। अब यही जो हीमोग्लोबिन और एचबी है ये क्या करेगा, आपका जाकर माइक्रोफेजेस में चला जाएगा और ये आरबीसी आपके माइक्रोफेजेस में चले जाएगी, जहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो एफी है ये फेरिटिन में बदल जाएगा और फेरिटिन किस में, आपके हेमिसेरिडिन में बदल जाएगा जो कि आपका यहाँ पर हो रहा था। और इसके बाद क्या होगा कि ये फिर मतलब इंट्रोहिपेटिक रिसर्कुलेशन के अंदर चला जाएगा, जिससे वजह से फिर से किस में आपके चला जाएगा, इस मतलब सर्कुलेशन में चला जाएगा, और सर्कुलेशन में जाने के बाद फिर से ये अपने लीवर में जाएगा या फिर बोन मैरो में जाएगा। तो ये थी जनरल फार्माकोलॉजी या फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द आयरन। तो आपको ये समझ में आया कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक बताया, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ अगर आप एक एक पॉइंट चल के पढ़ते हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पर मैंने आपको बताया वहीं पर मैंने आपको थोड़े से फॉर्म में लिखा हुआ, इतना आपको अपने एग्जाम में लिखना है जिससे कि ये एग्जाम को ये लगे, मतलब एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है, आप कहीं से चीट करके या कहीं से रट्टा फिगेशन मार के नहीं आए हुए हैं। उसके बाद बात आती है कि जो अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसमें क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो इसमें क्या आप अगर आयरन की डिफिशियंसी होगी तो इसके लिए आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करने चाहिए। सबसे पहला होता है कि आयरन थेरेपी देनी चाहिए, ठीक है। फॉर द ट्रीटमेंट आयरन थेरेपी मे बी इंक्लूड आइदर ओरल और पेरेंटल प्रिपरेशन, आप ओरल रूट से पेरेंटल रूट से भी इसका दे सकते हैं, एंड व्हिच इज यूज्ड इन द क्रिटिकल कंडीशन, मतलब जो कि हम क्रिटिकल कंडीशन में इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो हमारा आयरन होता है ये जल्दी आपका एफई डबल प्लस से एफई थ्री प्लस मतलब फेरिक से फेरस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। ओरल थेरेपी में क्या होता है कि हम फेरस साल्ट एंड फेरिक साल्ट दोनों को क्या करते हैं अवेलेबल फॉर दी ओरल थेरेपी, दोनों अवेलेबल होते हैं। जो फेरस साल्ट होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि तीन टाइम लेने होते हैं, बेटर मोर एब्जॉर्ब देन फेरिक साल्ट। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक चीज और जानी कि जो फेरस साल्ट होते हैं अगर उसकी मेडिसिन आपको दी जा रही तो आपको थ्राइस इन डे, मतलब कहने का टीडीएस में दी जाएगी, और वहीं अगर आपको फेरिक साल्ट की कोई कॉम्बिनेशन तो आपको एक दिन में केवल एक बार ही उसको खानी होगी। इसलिए बोला था कि जो फेरस साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है वो तीन गुना ज्यादा होता है किससे, फेरिक साल्ट से, इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा तो उसका एक्शन भी जल्दी होगा, और जब एक्शन जल्दी हो जाएगा तो इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसके वेरियस फॉर्म होते हैं, मतलब इसके ड्रग नाम किस किस से, फेरस साल्ट में जैसे ग्लूकोनेट आता है, फेरस फ्यूमरेट आता है, फेरस लैक्टेट आता है। तो यहाँ पर बात हुई हमारे आयरन के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर फेरिक साल्ट के अंदर बात करें, मतलब वो फेरस था ये फेरिक था, तो इसमें आपका आता है फेरिक अमोनियम आता है, फेरिक सिट्रेट आता है, एंड फेरिक आयरन आता है। एडल्ट डोज ये 325 mg, टीडीएस मतलब एक दिन में तीन बार, अगर आप फेरस आयन यूज कर रहे हैं, अगर फेरिक आयन यूज करें तो इसको एक बार। चाइल्ड डोज के लिए 305 mg पर kg। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नॉजिया, वोमिटिंग, हर्टबर्न, ETC ये आपको कॉज हो सकता है, जो कि नॉर्मल आप कैल्शियम के लेवल में भी आप देखने को मिलता है। उसके बाद अगर पेरेंटल थेरेपी की बात करें तो यूज इन द सीवियर एंड क्रिटिकल कंडीशन। कहने का मतलब क्या है कि जब आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी तब इसका यूज किया जाता है। इन सीवियर ब्लीडिंग, जब आपको सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ दी जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वहाँ पर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तब इसका यूज किया जाता है। GIT डिजीज, जिसका मतलब क्या है कि अगर आपका लीवर खराब हो गया या आपका स्टोमच खराब हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा ये सारी फर्दर प्रोसेस जो आपको फार्माकोकाइनेटिक बताई वो नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या होगा इस थेरेपी के माध्यम से आपको आयरन इंटेक किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन डेक्स्ट्रान होता है, आयरन सोडियम ग्लूकोनेट होता है, आयरन सुक्रोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ETC वगैरह होता है। अगर अब इसकी अगर टॉक्सिसिटी कॉज होती है, मतलब आयरन आप ले रहे हैं, आयरन की टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है, तो उस कंडीशन में आप कौन सी ड्रग यूज करेंगे, एंटीडोट का यूज करेंगे, जिसका नाम क्या है, डेज़फेरोक्सामाइन। ये क्या करता है कि आयरन के एलिमिनेशन रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से आयरन का जो एक्सक्रीशन पॉइंट होता है, एलिमिनेशन पॉइंट होता है, वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज किया जाता है, रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी से आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात बाद जो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है आपके ब्लड में सर्कुलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ द विटामिन B12, और जो प्रेजेंट होता है किस फॉर्म, मेथाइल कोबालामिन। तो आपको ये मेथाइल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन नाम का आपने इंजेक्शन भी आपने मेडिकल स्टोर में ये अगर आप यूज करते हो तो आपने देखा होगा, या आपके फैमिली में किसी को लगता होगा तो आपने ये जरूर देखा होगा, उसमें साइनोकोबालामिन या मेथाइल कोबालामिन नाम का दो इंजेक्शन आता है, आपने इसको जरूर देखा होगा। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें तो ये आपके अंडे में, लीवर में, लीवर का मतलब क्या है आपके लीवर में पाया जाएगा, फिश के लीवर में पाया जाएगा, या किसी भी डिफरेंट मेमल्स के लीवर में पाया जाएगा। उसके बाद मीट में पाया जाता है, फिश में, मिल्क एंड यीस्ट में भी ये पाया जाता है। तो जो सबसे बढ़िया स्रोत है वो क्या आपका मिल्क एंड अंडा, ठीक है, क्योंकि मीट वगैरह में क्या होता है कि जो ये हमारा साइनोकोबालामिन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका जो मेन मोटिव क्या होता है कि इसको मेन मोटिव होता है कि आपके शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करना,
लेकिन इसका कारण क्या होता है, ये क्यों नहीं सोता, क्योंकि इसका जो फैट मटेरियल होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपर लिपिडीमिया भी कॉज हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि मीट का सेवन कम से कम करना चाहिए। और जो हमारे ये होते हैं मतलब फिश हो गए, ठीक है, उसके बाद आपका एग हो गई, मिल्क हो गई, यीस्ट हो गए, इन सबका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन मीट का सेवन आपको बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। उसके बाद अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, ये अगर ये इनसफिशियंट अमाउंट में आपके बॉडी में हो गया, मतलब आपका क्या होता है, विटामिन बी12 या साइनोकोबालामिन या मेथाइलकोबालामिन आपके बॉडी में इनसफिशियंट अमाउंट में हो गया, तो ये आपको क्या कॉज कर देगा, आपको एनीमिया कॉज कर देगा, ठीक है। अब इस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम हिमेटेनिस का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन नाम का इंजेक्शन आता है, टेबलेट आती है, या ओरल थेरेपी भी इसकी ली जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका डाइट सोर्स क्या करता है, जो डाइट फेस ETC है हमारे क्या एनीमिया कॉज कर देते हैं। अब जो सबसे मेन पॉइंट आता है इसकी फार्माकोकाइनेटिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर फार्माकोकाइनेटिक अगर आपने समझ लिया तो आप एग्जाम में आसानी से लिख जाएंगे। अब आपने क्या है विटामिन बी12 का इंटेक क्या है, बाय द हेल्प ऑफ द माउथ, ठीक है, ओरली आपने लिया। अब ये क्या जाएगा आपके सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, स्टोमच में जाएगा, स्टोमच में आपके आर का मतलब एल्किल भी मान सकते हैं, यहाँ पर एल्किल से जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। आप देखिए जब यहाँ पर विटामिन बी12 और जो आपका आर प्रोटीन है, ठीक है, ये आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, तो ये जो आर प्रोटीन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा सा हम केमिस्ट्री यहाँ पे जान लेते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाती है तो उसका जो pH होता है वो बेसिक की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो विटामिन बी12 जब यहाँ पर आता है मतलब स्टोमच के अंदर आता है तब तक ये एसिडिक रहता है, लेकिन जैसे ही वो आर प्रोटीन से जाकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है ये क्या बन जाता है आपका, ये एल्कलाइन इन नेचर हो जाता है। और जैसे ही ये एल्कलाइन इन नेचर होता है तुरंत जाकर हमारे ड्यूडेनम में इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे इसका एब्जॉर्प्शन होता है ये सीधा सीधा किस में चेंज हो जाता है, कोबालामिन में। और जो कोबालामिन मतलब ये हमारे विटामिन बी12 होते हैं आर कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन बी12 आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको जो कोबालामिन में चेंज करते हैं उसका नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम क्या है, प्रोटीएज एंजाइम। तो आपसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि जब आप साइनोकोबालामिन इंटेक करते हैं तो उसको कोबालामिन में कौन सा एंजाइम मेटाबोलाइज करता है, तो आपको वहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम आपको टिक करना होगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर आपकी कोबालामिन बन गया, ठीक है, अब ये जो कोबालामिन होगा ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि क्या ब्लड के अंदर, ये आपके ब्लड के अंदर की मतलब ये आपकी आर्टरीज वाल्व है या वेंस वाल्व है या ब्लड वेजल्स आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में आएगा, ट्रांसकोबालामिन सेकंड के फॉर्म में आएगा, और जब ये ट्रांसकोबालामिन सेकंड और ये जो कोबालामिन है ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये इंडोसाइटोसिस करेंगे। इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल को तोड़ के अंदर जाना, मतलब कहने का क्या है, सेल को तोड़ के अंदर जाने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका ये एक सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, तो ये क्या करेगा इस सेल को ऐसे ये तोड़ देगा और यहीं पर जाके जम जाएगा और धीरे से जाकर ये अंदर ऐसे चला जाएगा, इसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब जब इसकी एंडोसाइटोसिस हो जाएगी तो ये विटामिन बी12 आपके डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट टिश्यू तक पहुँच जाएगा, जिसका क्या काम होगा, आपके एनीमिया को ट्रीट करना, और इसी डिफरेंट टिश्यू के माध्यम से आपके किस में चला जाएगा, आपके बोन मैरो में चला जाएगा, जहाँ पर ये एरिथ्रोब्लास्ट करेगा, एरिथ्रोब्लास्ट करने के बाद ये RBC का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए बोला जाता है कि साइनोकोबालामिन भी एसेंशियल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड, इसीलिए इसको बोला जाता है हिमेटेनिक्स। अब दूसरी बात है कि अगर इसका एक्सेस फॉर्म हो जा रहा है, मतलब कहने का कि इसका जो सिंथेसिस हो रही है, बायोसिंथेसिस हो रही है, ज्यादा अमाउंट में हो जा रही है, तो लीवर में स्टोर हो जाता है। लीवर में स्टोर होता है किस नाम से होता है, 5-DOXY-ADNOSYL-AMINE के नाम से इसको जाना जाता है, जो आपके लीवर में आपके डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ पे जमा हो जाता है, और लिमिट इसकी 4-6 mg होती है। और एक चीज़, अगर आप विटामिन बी12 का 5 साल तक लगातार आपके बॉडी में डिफिशियंसी चलती आ रही है तो आपका लीवर इतनी मात्रा में साइनोकोबालामिन को स्टोर किए हुए रखता है कि वो आपको 5 साल तक आसानी से विटामिन बी12 आपको प्रोवाइड कर सकता है। वही मैंने आपको लिखा लीवर के प्रोवाइड विटामिन बी12 फॉर 5 ईयर, मतलब 5 साल तक इतना अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इतना तो आप जो कुछ पढ़ते हैं उतना स्टोर नहीं कर सकते हैं, लीवर तो आपको इतना स्टोर कर लेता है। एंड इलिमिनेशन प्लेस्ट एज ए बाइल, मतलब ये बाइल मतलब फेसियस मटेरियल के द्वारा ही आपके बाहर निकल जाते हैं। अब इसकी थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो यू टू ट्रीट द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये मेगालोब्लास्टिक जिसमें क्या होता है कि आपके हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस कम हो जाती है, लोअर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसको आप PHF के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके बायोसिंथेसिस किसकी करती है, DNA का प्रीकर्सर होता है उसके सिंथेसिस के लिए। उसके बाद आइसोमेराइजेशन ऑफ द मेथाइल मेनोलिन कोए, जो क्या होता है कि सक्सिनेट में फॉर्म होता है, इसको आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ा होगा। उसके बाद इसके डोज की बात करें तो साइनोकोबालामिन की बात करें तो इसकी जो डोज होती है 100 से
1000 माइक्रोग्राम, इसका मतलब क्या है कि मतलब माइक्रो एम से एम जी से 1 mg से 10 mg तक आप इसको ले, सॉरी 0.1 mg से 1 mg तक आप इसको ले सकते हैं। और इसका जो मतलब इंटेकन होता है, मतलब इसका ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 14 दिनों तक रहता है। इसका मतलब क्या, इसके बीच का इंटरवल आपका कितना 14 दिन के बाद ही होना चाहिए। उसके बाद मेथाइल कोबालामिन का जो मतलब डोज होती है वो 1000 से 1500 माइक्रोग्राम होती है, जो कि आप पर डे इजिली ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है फॉलिक एसिड, जिसको आप विटामिन B9 के नाम पे से भी जानते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, टेरोइल ग्लूटामिक एसिड। ये क्या होता है कि इन द बॉडी, आपके बॉडी के अंदर ये फॉलिक एसिड इज फंक्शनल इन डाइहाइड्रोफोलेट एंड टेट्राहाइड्रोफिलेट, जो कि मैंने साइनोकोबालामिन में पढ़ा था कि उसकी सिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होता है किसके द्वारा, ग्लूकोजेनोलिसिस के द्वारा या DNA सिंथेसिस के द्वारा, या THF में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या डाइहाइड्रोफोलेट एंड टेट्राहाइड्रोफोलेट के सिंथेसिस के लिए उसमें फंक्शनल ग्रुप में ये ऐड होते हैं। अब इसका सोर्स क्या होता है, ग्रीन, यहाँ पर आप ग्रीन कर लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब हरी सब्जियों में, फ्रूट्स में, मिल्क में, एग में, मशरूम में, फिश में, ETC में इसका जो सोर्स होता है ये प्रेजेंट होता है। तो आप इन सब चीज़ों को खाकर डायरेक्ट फोलिक एसिड इंटेक कर सकते हैं। और फोलिक एसिड नाम की टैबलेट भी आपको अधिकतर सरकारी अस्पतालों में दी जाती है। उसके बाद अगर इसे फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं है। ये क्या होता है कि ये डाइट से फॉर्म होता है, ठीक है, डाइट से आपने ऑब्टेन कर लिया एंड प्रेजेंट इन द पॉलीग्लूटामेट फॉर्म। ये केस में पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में ये क्या होता है, आपके स्टोर हो जाते हैं। अब फोलिक एसिड कहाँ पे चला जाता है, अंडर कन्वर्जन ऑफ द THF मतलब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एंड 5-methyl टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एंड गेट एब्जॉर्ब इन द जेजुनम। और ये जेजुनम में क्या कन्वर्ट हो, मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट में जाकर के क्या हो जाते हैं, आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जब इसका वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अब यहाँ पर आपके कुछ GPET का क्वेश्चन भी फंस सकता है कि कौन सा आपका हेमेटेनिस आपके जेजुनम में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो आपको वहाँ पे फोलिक एसिड ऑप्शन टिक लगाना सही होगा। एंड इनसाइड द सेल, अब सेल के अंदर क्या होगा, 5-methyl THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू द THF मतलब यहाँ पर आपका 5-methyl ग्रुप डिटेक्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द मेथियोनिन सिंथेटेज, ये एक प्रकार का एंजाइम है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस एंजाइम के माध्यम से 5-methyl THFA आपका THFA में चेंज होता है, तो उसका नाम क्या है, मेथियोनिन सिंथेटेज। एंड सम पोर्शन ऑफ द THFA अंदर गोज सेलुलर यूटिलाइजेशन, और कुछ क्या होता है कि सेल के द्वारा इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है एंड रिमेनिंग स्टोर इन द लीवर, और जो बचते हैं उसको क्या लीवर में इसका स्टोर कर लिया जाता है। दिस स्टोर मतलब ये जो THFA जो स्टोर होता है आपका लीवर के अंदर, देन सिक्रेटेड बाय द लीवर इनटू द बाइल व्हिच रीचिंग इन द इंटेस्टाइन अगेन, जो कि फिर से इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और देन ये क्या करता है, फिर से आपके RBC के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल यही प्रोसेस आपकी होती रहती है। और जिसका एलिमिनेशन होता है यूरिनेशन के माध्यम से 90% एंड 10% इसका बाइल एसिड के माध्यम से होता है, मतलब फीसेस मटेरियल के द्वारा होता है। अब इसकी डिफिशियंसी हो गई, तो कॉज ऑफ द डिफिशियंसी, इसकी डिफिशियंसी क्यों होती है, ओवर कुक्ड फूड, अगर आपने खाना को ज़्यादा पका दिया, जला दिया, तो इसकी वजह से भी इसकी डिफिशियंसी, मतलब आपके भोजन के अंदर से फोलिक एसिड की कमी आपको मिल सकती है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एनीमिया, इसके इन कंडीशन में तो जरूरी होगा। एंड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोलेट अगर इन द कोलोरिक डिजीज, कोलोरिक डिजीज का मतलब क्या है, जब आपने कोलोन पड़ा होगा, कोलोन का होता है आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे कोलोन 4 कोलोन होते हैं, उसके डिजीज अगर पंक्चर वगैरह हो जाता है तो भी ये फोलिक एसिड डिफिशियंसी आपको कॉज हो सकता है। उसके बाद इसका जो मतलब एंटी, मतलब जो ड्रग्स होते हैं जैसे एंटीबैक्टीरियल अगर आप यूज कर रहे हैं फिर भी आपको ये कॉज हो सकता है, मतलब इसका भी एक कॉज है कि फोलिक एसिड डिफिशियंसी आपके बॉडी के अंदर हो सकती है। जैसे आपकी ड्रग हो गई पायरीमेथामिन, ठीक है, पायरीमेथामाइन हो गई, एंटीकेसन जैसे मेथोट्रेक्टेट हो गया, ठीक है, ये इन सब ड्रग को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इंटेक कर रहे हैं तो आपको ये जो इसकी डिफिशियंसी वो आपको कॉज हो सके फोलिक एसिड की। अगर हम इसकी ADR की बात करें तो जनरली ये केवल एलर्जिक पैरेंटल रिएक्शन, जब इसको पैरेंटल रूट से लेते हैं तो थोड़ी बहुत एलर्जिक रिएक्शन दिखा था, बाकी इसका बहुत ज़्यादा कोई भी ADR नहीं है हेमेटेनिस का। एंड यूज टू द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और इसका यूज जो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, वीडियो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।